एक्शन कर देते हैं आज से 19-30 लाख रुपए की चिट्ठी एक और 20 लाख रुपए की एक चिट्ठी लिख ली फाइनेंशियल कमीशन दिया, थोड़ी सी अर्थ कटिंग हुई। हमारे बच्चे जो छोटे बच्चे वो भी सफर न कर पाए और जो बड़े बच्चे हैं उनके जो एग्जाम है वो भी अच्छे ढंग से हो पाए और जो है उन लोगों को जो है अच्छे मैच हॉस्पिटल में जो है आम जो गरीब लोग ही जाते हैं, पैसे वाला तो प्राइवेट जाते हैं। यहाँ रात को चोरी हुई है, चार दुकानें सर यहाँ पे रोड का सर खजा नहीं, आपका बैनर सैंक्शन हो गया इसका रिन्यूअल कोर्ट का। कब स्टार्ट होगा? सर हमारा सबसे बड़ा इशू है मारकोट रोड का जो इस वक्त चल रहा है, इसका काम 13 साल बंद रहा और बैक टू विलेज जो पंचायत ने वास्ते दिया उसके तहत है। लेकिन इसके साथ साथ सर ये जो रोड जा रही है सिर्फ यहाँ मंडी प्रापुर से सड़ी तक अतर शामल तक सर इस रोड का काम लगाया जाए। तो क्रिटिकल स्पॉट जो है वहाँ पे हम अलॉटमेंट हो गई है, अलॉटमेंट होगा तो बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी आपने देखेगा ट्रेन, अगर आप कमीशन नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा, खासकर मुरादाबाद के आगे सर वहाँ से थोड़ी सी रोड की आई है 13 स्कीमों से ऑलमोस्ट सारी रिप्रेजेंटेशन मिल गई है उन एरियाज को जहां पानी की कमी है या जहां पर कनेक्शन करने लगते हैं इन एडिशन टू ऑनगोइंग स्कीम। तो जेजेएम के टेंडर मैंने 3 बार किए तो टीचर की पोजीशन आप लोग सबको पता है, पढ़ाई में कम है पोस्टें। मैं ZTO मिट्टी से रिक्वेस्ट करूंगा, उन्हें बता दूंगा कि पड़ोस पड़ोस से जहां से जिनको यहां लगा दिया है SPO तो वहां पर रहने के लिए कोई नहीं रहा, एक ही रास्ते उसको लगा दिए 9 तो उसके लिए 1700 रुपये होगी बंद। मैं खरीदता और राजस्थान के साथ हमारा 20,000 करोड़ का बिजनेस हो रहा है, यानी एक ऐसी जगह से हम ये अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं जहाँ ना पानी है ना घास है और यहाँ पे इतने खूबसूरत मसाइल हैं। तो इसके बाद आपने जो और यहाँ पे इशू रेज किए हमारे पानी के, तो उसमें आपको भी पता है कि JJM में हमारा हमें अभी क्योंकि एक तरीके से वो हम नए तरीके से ही काम हो रहा है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको भी हम रिजोल्व कर रहे हैं। मैंने भी यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टर्स मीट की थी, हमारे जम्मू में भी कॉन्ट्रेक्टर्स मीट हुई है तो उसमें से काफी सारे इशू उनके रिजॉल्व भी हो गए, अब हमें रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया है। लेकिन उसके साथ एक्शन साहब आपने भी थोड़ा सा इसमें काम की स्पीड बढ़ानी है, मैं भी अब पीछे बर्फ खत्म होने लगी है तो अब आपने काम जो है सारे अपने स्टार्ट करवाने हैं। एडी साहब आपका जो एक मेजर इशू है ये CAPD का, तो ये बहुत ज्यादा कंप्लेंट आ रही है, इसमें मैं ठीक है कमेटी बना दूंगा। आपने बिना कमेटी के ऑथराइजेशन के उसकी रिपोर्ट के बिना कोई भी डिलीशन एडिशन नहीं होना चाहिए, तो हमारी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द जो है आपका जो इशू है इसको भी रिजॉल्व कर सके। इसके बाद आपकी ये जो मंडी रोड है इसका काम स्टार्टअप हो चुका है, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है, फिर आपने एक इसका बताया अपना सेकलू का भी एक मोड़ा बताया मोहल्ला कस्सी जिसमें आपका जो है पानी बिजली नहीं है ट्रांसफार्मर का, हाँ तो उसका भी जो है जल्दी इशू मैं रिजॉल्व करवा दूंगा। और एडी साहब ये वाली जो ये इन्होंने बताया जो सरपंच साहब ने दिया मेरे को इसका इंक्वायरी करके मेरे को 2 दिन के अंदर रिपोर्ट दीजिएगा, ठीक है ये लीजिए सकते हैं या फिर जो है कहीं और जा सकते हैं, जैसे इस बार में बायला जा रहा हूँ उस टाइप से सेकंड हाफ के लिए रख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट हाफ में मीटिंग मंडी में ही होगी ताकि लोगों को पता रहे। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की हिदायत के अनुसार हर वेडनेसडे को डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर हमारा ब्लॉक दिवस होता है, उसी क्रम में आज हमारा मंडी में ये ब्लॉक दिवस किया गया और यहाँ पर ज़्यादातर मसाइल थे वो हमारे रोड से रिलेटेड और हमारे जो है PHE से रिलेटेड थे, जिसमें हमारे रोड्स का काफ़ी सारा काम जो है अब स्टार्ट भी होने वाला है क्योंकि अभी तक हमारा जो BT का सीज़न है वो अब हमारा स्टार्ट होने वाला है। मंडी में अभी भी हमारा कुछ जो ऊपर वाला एरिया है वहाँ पर अभी टेम्परेचर अभी भी डाउन है, तो वहाँ पर मार्च के एंड तक ही जो BT के काम है वो स्टार्ट हो पाएंगे। लेकिन हमारा जो हमारी जो मंडी से हमारी जो फतेहपुर रोड जाती है इसका भी पैचिंग का काम चल रहा है, इसी तरीके से हमारी मंडी फागला जो एक बड़ी डिमांड रहती है हमेशा से, तो उसको भी कोशिश ये रही है हमारी कि हमारी जो मंडी फागला नहीं बल्कि मंडी से लेके बफलियास तक हमारी जो रोड है इसको हम PMGSY Phase 3 में अपग्रेडेशन में ले सकें। इसी तरीके से PHE के हमारे जो जल जीवन मिशन के काम हैं उनको टेंडर किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे
उनको रिस्पांस की हमें अभी इशू आ रहा है, तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्टर्स को मोबिलाइज किया जा रहा है कि ताकि जल्द से जल्द हमारे वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट आउट होकर उनको जो जल्द से जल्द स्टार्ट किया जा सके। तो और भी जो दूसरे मसाइल हैं इसमें हमारा CAPD का कि काफ़ी सारे लोगों ने कंप्लेंट की कि उनके राशन कार्ड्स में रद्दोबदल कुछ की गई है, तो उसके लिए भी जो है कमेटी जो है मेरे द्वारा बनाई जाएगी, जिसमें उस कमेटी के थ्रू ही अगर कोई भी चेंज होने हैं वो उसी के थ्रू किया जाएंगे, और अगर इसके अलावा अगर कोई भी चेंज होता है तो उसके लिए जो कंसर्न हमारा TSO है उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा।